अगर हमें हक ना दिया गया तो हुकूमत गिराने के बाद हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, कहा बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। हुक्मरानों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। कौम अब बेदार हो चुकी। मई का महीना फैसला कुन महीना होगा। मैंडेट चोरी करके नाहल लोगों को कौम पर मुसलत किया गया। ये लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए मुल्क के खजाने पर मुसलत किए गए हैं। कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते, हम आवाज उठाएंगे। चोरों को, उन डाकुओं को, उन गद्दारों को, उन एजेंटों को कि जिनके ऊपर इन्हीं इदारों ने ये बारहा सबूत दिए और बारहा बताया गया कि इन्होंने मुल्क का पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने हजारों अरब रुपया मुल्क का चोरी किया है। बहैसियत मुसलमान हमारे पे ये फर्ज है कि हम किसी भी मुसलमान के साथ अगर दुनिया के किसी कोने में भी जाती होगी तो हम उसी लिए आवाज उठाएंगे। आज ऐवानों में बैठ कर ये मैंडेट चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये बर्जुमान है उन कुर्सियों के ऊपर। दोशाखाना में इमरान खान ने कोई इल्लीगल काम नहीं किया और इमरान खान उसमें जेल में है, जबकि इसी दोशाखाना में इल्लीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते वो ये दोनों जरदारी और नवाज से निकाल चुके हैं, वो बाहर फिरे हैं।